माता दी राम राम। कैसे हो आप सभी? तो मैं बन चुकी हूँ यहाँ पे शंभू, शंभू बाबा। अभी नहाई मैं जस्ट, और मैंने कपड़े धोए अपने हाथों से। अब आप बोलेंगे कि ऐसा क्यों बोल रही है हाथों से? भाई देखो, मशीन है हमारे घर में। मैं ट्राईपोड कर ली, देखो मैं ट्राईपोड सेट कर रही हूँ। मशीन है पर अब ये लोग कपड़े धोते हैं ना कभी कभार, वैसे तो मैं ही धोती हूँ उनके। कभी कभार जैसे मेरी तबीयत मान लो सही नहीं है तो फिर बच्चे धो देते हैं। शानू तो अपनी ड्रेस कुछ दिनों से खुद ही धो रहा है, मैंने बोला अपने आप धो। साल हो गया बोल रहा है, मेरे को साल हो गया। तो मैं ताव लेने गई थी, जितनों को मैं कपड़े सूखने डालूंगी ना। जितने को कपड़े डालूंगी सूखने उतने को जो है फिर मुझे मेरा पानी उतने को ना, ये बालों का पानी थोड़ा इसमें रच जाएगा, है ना। चलो तो ये देखो यहाँ पे मैं ये कर रही हूँ, कपड़े सूखने डाल रही हूँ और हम यहाँ पे बातें भी कर रहे हैं वीडियो एडिटिंग करते टाइम। और मैंने आज मैं ज़्यादातर अल्ट्रा वाइड में शूट करती हूँ, उसमें ज़्यादा कवरेज होती है, ज़्यादा दिखता है। मतलब ये कुर्ते खोल दो नहीं पापा, ये रीना खेल जाना बच्चे का मैं जाना ये कहते उन्होंने जा पेंट पे लड़े तो बेच के लिया उन्होंने ब्याह के पेंट ही लिया उन्हें। बढ़िया नहीं है क्या दिक्कत ये इतने से? तो चलिए अभी ना पशुओं को बांधते हैं अंदर वाले खाने में। तो अब बाहर ना देखो छांव आ गई, मैं दिखाती हूँ आपको। मैंने एक दिन भी बताया था पर सही सही से नहीं पता लगा था। तो मेहंदी लगाऊंगी मैं, अब मैंने बाल धो दिए ना, अब देखती हूँ आज या कल, दिन को ही लगानी पड़ेगी। रात को तो ठंड रहती कहीं तो फिर बीमार हो जाऊंगी। सिया को ना, सिया को ठंड लग जाती है, वो भी उसमें अच्छी खासी धूप है। बीच बीच में बारिश का होना बहुत जरूरी है, अगर हुई नहीं ना तो इस बार फिर हमारी कणक का भगवान ही रखवाला। देखो सिया को ठंड लगी, अब वहां आ गई ना, ये देखो वहां पे आ गई ना, ये देखो वहां पे धूप छाया आ गई इनके पास अब। पर मैं ये क्या करूं, ये मौसम जूते सारे आगे आगे से। यहाँ रुको मैं ट्राईपोड लेके आती हूँ ना, फिर दिखेगा ना आपको। तो ये रखा है भाई यहाँ पे, अब खाली हो गया। अब ये पत्ते वगैरह ये यहाँ से निकालने हैं और घर की वजह से ना मेरी गायों की धूप रुक गई, फिर मेरे दिमाग में कीड़ा जागा दोबारा से। फिर मैंने पंचायत में कुछ वो किया तो गौशाला जो है हमारी, बस दो चार दिन में बोला है काम वालों ने कि लगना है काम, ठीक है। तो चलो जी अब इनको यहाँ से, चलो बेटा उठो काल उठो, देखो यहाँ पे कितनी ठंड आ गई, ये देखो।
अब ये फोन भी ना ये ट्राइपॉड भी बेचारा ऐसे ही तो 2 ही बजे अब मैं सो सकती हूँ मतलब आराम से। बस इसके बाद एकदम से हो जाएगा। आजकल सर्दियों में काम नहीं करवाना चाहिए, वैसे बहुत छोटे दिन होते हैं। तो आजकल हमारा बस 10 ही किलो दूध जाता है और खर्चा हमारा ज़्यादा है। अब पूछो कैसे, हमारे ज़्यादा फीड चोकर लगती हैं, ज़्यादा बोरियाँ लगती हैं हमारे, पता है कैसे। अब ये है हमारी बिंदु, बिंदु देती है दूध, सिया देती है 1.5 किलो शाम को, 1.5 किलो सुबह, क्योंकि अब इसको लग चुका है महीना 7वां। और अभी तो वैसे 1 महीना पूरा है दूने का, 7 महीने बाद तो ड्राई पीरियड में होता है पशु, 7 महीने तो दूध लेना चाहिए, पर ये जल्दी लग गई है हाथ खड़े करने, नहाई भी नहीं है बहुत दिन हो गए। और फिर सबसे बड़ी बात पता क्या, हमारा वेस्टेज नहीं होता, वो हमको लगता है। ये जो मैं बच्चा बना रही हूँ ना, ये बच्चा जो मैं पाल रही हूँ, इसके लिए बहुत खाना खर्चा होता है, वो इनके ही दूध से निकल रहा है। तो अभी अगर हम सोचेंगे कि हमारे लिए कुछ नहीं बच रहा है तो ऐसा नहीं है, ये बच रहा है, ये पल रहा है इन दोनों के दूध के पैसों से। अभी इस महीने शायद हमारे लिए बहुत कम बचे। और अब मैं सामान दिखाती हूँ, रुको अब मैं सामान दिखाती हूँ आपको, ठीक है। अभी जो उतार के गए गाड़ी वाले ने, पिछले महीने तो हमने 6 बोरियां ली थी, इस महीने हमने 4 ही बोरियां ली, थोड़े से, क्योंकि अब मैंने कम कर देना सिया वगैरह को। ये देखो 2 दरड़ और 2 फीड है, 2 दरड़ 2 फीड, वहाँ पे मैं उपले भी बना रही हूँ देखो ऊपर, तो 2 दरड़ और 2 फीड बैग हैं, 4 4। अगर मान लो अब लोग क्या करते हैं ना कि चलो जब तक पशु ने दूध देना उसको ही देते हैं ज़्यादा फीड, बाकी जैसे बच्चियाँ हो गई या कम दूध देने वाले पशु होते तो हमारे ऐसा नहीं होता, थोड़ा बहुत कम होता है हमारे सिया को और श्यामा को, बिंदु को थोड़ा सा ज़्यादा होता है क्योंकि दूध ज़्यादा देती है। लेकिन ये नहीं कि ये तो 1.5 किलो वाली को बिल्कुल ही हम बिल्कुल नहीं कम देते हैं, ऐसा नहीं होता, हम इनको पूरा पूरा खाना देते हैं अपने बच्चों को। ये देखो शिवा शिवा, इसको ना ठंड लगी तो, ये देखो अभी इस बच्चे को जो प्रॉपर डाइट देंगे ना तभी बनेगा ना, अभी साल की नहीं हुई है, और अभी साल की ये दिसंबर में होगी, अभी 1 अक्टूबर चल रहा है ना, हाँ ख़त्म ही होने वाला है अक्टूबर, 10 नवंबर को हो जाएगी 11 महीने की, और दिसंबर में साल की। लेकिन दिल मानता है कि नहीं पाला है बच्चा, इसकी जो बॉडी ग्रोथ है तो ये खिलाना पड़ता है इनको, अपनी ब्रीड तैयार करने में बहुत टाइम लगता है। बस अभी बन जाएगा ना, जब हमारा जैसे अभी सिया तो हो गए ना अपने, अभी ये लग गई दूध देने, है ना, अब इसका है कि जो ये खाती है वो दे भी देती है ना। अब हो गई श्यामा, श्यामा को पालना पड़ेगा पहले, अपने से खुद से पैसे लगाने पड़ेंगे, फिर जब ये भी हो जाएंगे अपने घर का बच्चा, फिर आगे पर हम अपना ही रखेंगे, फिर हम खरीदेंगे नहीं गाय, फिर अपनी ऐसी ब्रीड, अच्छी ब्रीड का टिक्का लगवाया करेंगे। ब्रीड का होना बहुत ज़रूरी है, अभी तो खैर कोई ब्रीड नहीं है, या तो फिर प्योर जर्सी ले लो या प्योर HF ले लो, जैसे बिंदु है ना हमारी, अब बिंदु हमारी प्योर जर्सी में है, ब्लैक कलर है इसका, थोड़ी सी क्रॉस है, कलर में क्रॉस आ गई, बाकी इसका जो जो इसके करेक्टर हैं वो सारे जर्सी के हैं, ठीक है। वैसे जर्सी लाल होती है, सब लोगों ने बोलना कि जर्सी तो लाल होती है, ऐसा नहीं होता, काली भी होती है जर्सी, ब्राउन भी होती है। तो अच्छा अब मैं आपको गुड न्यूज़ देती हूँ, दे देती हूँ गुड न्यूज़, फिर मैंने सोना है,
सोने से पहले आपको, आप लोगों को गुड न्यूज़ बता देती हूँ और परे भी बता देती हूँ कि हमने वो गोहनी का बना दिया है फाउंडेशन, मतलब एक धागा जैसा लगाया है, सूत बांध, वो क्या बोलते हैं ना कि इतने इतने में बनेगी, है ना। अब मैं दिखा देती हूँ आपको, तो नहीं इसको अलग से दिखाऊंगी, अभी खुशखबरी दे लेती हूँ जो आपको खुशखबरी देने लगी थी। तो खुशखबरी ये कि मेरी बहन की, मेरे चाचा की लड़की, मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है। वो तो कब की हो गई है लेकिन मैंने आप लोगों को बताया नहीं था, और वो शादी है अभी अगले महीने, जो क्या है अगले महीने नवंबर में, नवंबर की 9-10-11 तारीख को, 9-10-11 को मिलनी है, ठीक है। तो तब की वो शादी है, और अभी हम लोग जो है, फ़ोन आया था चाची और का भी सबका कि सबने आना है, काफ़ी मतलब इतने प्यार से बुला रहे हैं। तो मेरी चाची का, सगी चाची का ही लड़की की, चाचा की बेटी की, और मेरे वो चाचा नहीं है इस दुनिया में, वो नहीं है, वो मतलब छोटी उम्र में वो चले गए थे, 8-10 साल हो गए उनको, ऐसे उनको अटैक आया था। ऐसे मौके पर बहुत याद आती है कि काश वो होते तो खुद बुलाने आते, है ना। तो पता क्या है, अब चाची अकेली है, बोल रही थी मैं आती हूँ, है ना, रुको मैं बैठ के करती हूँ आप लोगों से बात। तो बोल रही थी कि मैं आऊँगी, और लड़का है वो तो बेचारा फौज में है, पर उसका क्या है कि अब छुट्टी अभी मिली उसको, 1 महीना हुआ, सारा काम घास है, धान मक्की खेत सारा ऐसे ही पड़ा हुआ है। दिन कितने रह गए, आज तारीख है कितनी है, आज कितने है, 29 तारीख है, 31 का जाएगा, 31 और आगे 8 दिन रख लो आप, है ना। तो अभी कपड़े वगैरह कुछ नहीं लिए थे, अम्मा भी बोलती चाची भी, तो मैंने बोला कि हो गया, फ़ोन ऐसे नहीं है, ज़रूरत ऐसे, मैं ऐसा नहीं करती कि ना मेरे घर पे आओ बुलाने, ऐसी मजबूरी देखनी पड़ती है ना, तो फ़ोन भी कर दिया किसने तो हो जाता है। पर मेरे को ना बहुत याद आई थी चाचा जी, अब वो नहीं है ना, तो लड़के को सारी जिम्मेवारियाँ पड़ी हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि चाचा जी अगर होते ना, एक बार आए थे मेरे घर में, 2 बार, और ऐसे ही चले गए, बहुत अच्छे थे। एक बार मेरा एक कान का गुम हुआ ना, गुम के वो पता नहीं छूट गया होगा कहीं भी, चाचा जी को आंगन में मिला, दे दिया चाचा जी ने, मैंने कहा अब गए, अब नहीं वो मिलना कभी नहीं। दूसरी बार गुम हुआ तो फिर मिला भी नहीं था। तो उनकी बेटी की शादी है तो मुझे जाना है, हम बहुत खुश हैं हम, पर क्या बोलते हैं, थोड़ा सा यही है बस, थोड़ा सा दुख भी है। सच कहते हैं ना कि बेटियों के लिए ना मायके से मतलब सारे से होता है, ऐसी बात नहीं है। मैं तो ऐसी उम्र को तो ससुराल वालों से भी, मायके वालों से मेरे को बहुत लगाव होता है, पर पता क्या, मेरे को समस्या ऐसे कि ऐसे ये इसको पता सता नहीं लगता, ये ऐसे इसका बेवकूफ़ बना दो, बेवकूफ़ हूँ नहीं मैं, बन जाती हूँ कहीं कहीं पर, तो बस मेरा बहुत सोचते हैं बेटियों का, सबका ही होता है बहुत ज़्यादा लगाव। तो मैं अभी सोच रही थी कि अपने लिए कुछ नहीं लूँगी, एक सूट है मेरे पास वो सिलाऊँगी मैं, बाकी है बाकी जो लड़की है उसके लिए लेंगे, उसके लिए कपड़े लेंगे, अब बच्चों के लिए लेने पड़ेंगे, उनको पहले कोट पैंट लिया था वो, अब वो तो वो भी पहनेंगे, लेकिन एक पजामा जो भी है, शॉपिंग होगी वो बताऊँगी आप लोगों को, और उसको क्या लूँगी वो भी बताऊँगी जिस दिन हम जाएँगे, है ना। तो चलो ठीक है, इसी के साथ वीडियो का एंड भी करती हूँ, इमोशनल हो जाती हूँ मैं आजकल कुछ ज़्यादा ही, मेरे को बहुत रोना आता है, मेरे को ऐसा लगता है बस मैं ऐसे ही बैठ के बातें करती रहूँ और मैं कोई बात ना करूँ, और मैं कुछ ना बनाऊँ, कुछ ना शूट करूँ। तो मुझसे किसी ने क्वेश्चन किया था, क्या नाम है उनका मैं भूल गई, कि जिस हिसाब से आपके व्यूज आते हैं बहुत कम आते हैं, तो क्या आपको अभी पैसे आते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में, जय माता दी।